किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम है, आज जो है महाशिवरात्रि का दिन है और बारिश पड़नी शुरू होगी और बारिश काफ़ी तेज़ आ रही है। तो भाइयों बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको मालूम है, आपके खेतों में बारिश से पहले फोका बोइंग की समस्या आ रही थी। कुछ भाई ने मुझे फ़ोटो भी भेजे, कमेंट भी करी कि भैया क्या करें, हम तो मर गए ठोड़, बिल्कुल ऐसे ही हमने सारी दवाई लगा दी और बहुत बड़ी समस्या ही आ गई, इस तरीके से आ गई। तो भाइयों बिल्कुल भी मत ना घबराओ, परमात्मा ने क्या सिस्टम बना रखा है कि जब भी ज़्यादा गर्मी होगी तुरंत वहाँ ऐसे सेंसिंग सिस्टम लगे हुए हैं कि एकदम बटन दबा देंगे और बारिश शुरू हो जाएगी। अब देखो, जैसे दिन निकला था, आज निकलते ही पूरी तेज़ गर्मी हुई, फिर एकदम वही ऑटोमेटिक सेंसर लगे हुए हैं, फिर एकदम से बारिश शुरू होगी। तो भाइयों बारिश से इतना फ़ायदा मिलेगा कि ये टेम्परेचर को ज़्यादा ऊपर नहीं होने देने की बिल्कुल भी। अगर हमारे यहाँ का टेम्परेचर वही चलता रहा 32, 35, 36, 34, तो इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने का। जिन खेतों में फोका बोइंग आना था वो निकल जाएगा अब धीरे धीरे ऑटोमेटिक। और जब मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा, एक एक दवाई हल्की सी तब लगा देंगे। अब फिलहाल कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ना टेंशन करने की ज़रूरत। अगर बारिश पड़ती रही और 8-10 दिन इसी तरह का मौसम रहा ठंडा टेम्परेचर का, तो ये धीरे धीरे सारी जो समस्याएं हैं ये सब बाहर निकल जाएंगी, कोई इसमें दिक्कत नहीं आने की। अगर फिर से मौसम मान के चलो एकदम गर्मी बनेगी ज़्यादा, तो भाइयों फिर उसमें हल्की सी स्प्रे लगवा देंगे। लेकिन बिल्कुल भी अपने मन में ये चिंता ना करें कि क्या होगा। भाइयों परमात्मा सभी का ध्यान रखता है। आज भोले का जो है महाशिवरात्रि का भोले का जो जल है वो चढ़ जाएगा, जो सब कांवड़िया अपने घर चले जाएंगे आराम से, उनके लिए मौसम ठंडा हो जाएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी थी। ये काम निपटने के बाद में परमात्मा फिर आपका ध्यान करेगा, उसी के हिसाब से मैनेज करना है। तो ज़्यादा चिंता करने से कुछ नहीं होता। अपने घर में भोले की जो जा रहे हैं उनका भी ध्यान रखें, आस पड़ोसी कोई परेशान हो किसी भी दिक्कत से, उनके पशुओं के लिए चारा पारा ना आ रहा हो तो भाई थोड़ा बहुत भूस भूस उन्हें भी दे दें, या पानी भर रहा हो किसी को तो मतलब अपने घेर में थोड़ी बहुत जगह दे दें, मतलब रहने को इतना ही। वो समस्या कैड़ा सा समय चल रहा है और निकल जाएगा। कुछ भाई ने मेरे पास पंजाब से कुछ वीडियो भेजी थी कि भैया देखो क्या बुरा हाल हुआ, हरियाणा में एक गौशाला भी डूब गई, गाय भी मर गई, बछड़े भी मर गए। तो भाइयों ये त्रासदी का समय है, ये समय आता है, परमात्मा लाने वाला है। हम तो एक कठपुतली हैं, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। तो हमारे चिंता करे से या करे से कोई वो नहीं, जैसा वो रखे हमें उसकी रजा में ही रहना चाहिए। अब देखो बारिश पड़ रही है खड़ी, बिल्कुल गन्ने की बंधाई शुरू होगी। जब गन्ने की बंधाई शुरू होगी तो ये गिरेंगे भी, अगर ये गन्ने ना गिरे तो भाइयों ये जो मजदूर आदमी हैं जो किसान पर डिपेंड है, ये कैसे मतलब अपना काम करेंगे। तो ये सबका ही ध्यान रखते हैं, तो इसलिए आप ज़्यादा चिंता करो ही मत। जैसा परमात्मा रखे इंसान को ऐसा रहना चाहिए। वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।